हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं चैनल पिटा एजुकेशन में। आज आपके लिए नई वीडियो, जैसे आपने हाल ही में देखा होगा, अभी सीजन की तरफ से कुछ अपडेट आ रही है एग्जाम फॉर्म के बारे में। तो आज भी एक नोटिस अपडेट हुआ है, तो उसकी चर्चा करेंगे उसके नोटिस के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट स्किप करने से पहले लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो वीडियो में आपको जो बनाया जा रहा है तो इसकी एग्जाम फॉर्म के बारे में बनाई जा रही है, कह सकते हैं जो भी हाल ही में फॉर्म भरा है UG PG के। तो यूनिवर्सिटी नोटिस अपडेट क्या है, जितने आपको नोटिस अपडेट होता है दोस्तों शीशु नेक्स्ट साइट पर आकर देख सकते हैं। तो सिंपल तरीके से क्या करना होगा, शीशु नेक्स्ट कब आना होगा और न्यूज अपडेट कहाँ पर ऑप्शन आपको दिख जाएगा, जहाँ पर सिंपली आकर देख सकते हैं। तो आज की डेट तारीख डेट में ये यूज और पीजी कोर्स के जो फॉर्म भर जा रहे हैं एग्जाम फॉर्म, तो नोटिस अपडेट कराया यूनिवर्सिटी ने, तो ओपन करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाले यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद डेट ऑफ ओपन हो जाएगी और न्यू आप यहाँ पर आ जाओगे। जैसे मैंने ओपन कर रखा था, मैं आपको ओपन करके दिखा दिया, आपको जैसे देख सकते हैं ये पूरा। और इसके बारे में बात कर लेते हैं, देख सकते हैं अधिक सूचना आपको दी गई है। ये जो आपको 8 तारीख का नोटिस था, ये 10 तारीख में अपडेट हो चुका है, जिसमें आपको दिखाया है। और इसमें क्या क्या आपको दिया गया है आपको पढ़ के बताता हूँ, क्लियर करते तरीके में देख सकते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो बताया गया है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो बताया गया यूनिवर्सिटी में स्वाधन सूचित किया जाता है विश्वविद्यालय तरफ से, जो एग्जाम फॉर्म निकले हुए हैं यूजी और पीजी के, BBA BSc सेमेस्टर वाइज भी, अर्ली वाइज भी, BLB ईयर, BCom LLB, BGCM, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc होम साइंस, BSc होम क्लिनिक न्यूट्रिशन, और कैसे BSc ज्वेलरी, जितने फॉर्म देख सकते हैं, BPSK, MPPSK, MSc, MSc, MF, MTech, MBA, और जितने आप कह सकते हैं जितने कोर्स आपको दिए गए हैं सेमेस्टर वाइज में, और सेमेस्टर कितने दिए गए इसमें, सत्र 2019 से 2020 की सेमेस्टर प्रणाली में। सेमेस्टर के बाद दोस्तों यहाँ पर सेमेस्टर के बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर तो सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, एट सेमेस्टर, टेंथ सेमेस्टर, ये मुख्य परीक्षा आपको देख सकते हैं जो एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं 2019 से 2020 के सत्र के। एक्स वालों के, बैक वालों की और मैन वालों के जो एग्जामिनेशन कह सकते हैं, एग्जामिनेशन डेट जो है आपकी वो बढ़ गई है, वो आपकी जो 6 जून सबके जो फॉर्म भरे जा रहे थे शिक्षण साइट पर, उसकी लास्ट डेट अब 17 जुलाई हो चुकी है। तो दोस्तों बहुत अच्छा मौका, ये फोर्थ बार, ये चौथी बार आपका ये फॉर्म डेट्स बढ़ी है फॉर्म, एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया भी गया, सब प्रोसेस आपको बताया गया स्टेप बाई स्टेप करते हुए। तो नोटिस अपडेट जो हुआ है इसलिए हुआ है कि आपका ये जो एग्जाम फॉर्म है, ये बताया गया कि जो बच्चों को फॉर्म रह गए हैं तो वो फॉर्म भर ले अपने जल्द जल्द, एग्जाम फॉर्म जो दिए गए हैं आपके BSc के, LLB के, और सेमेस्टर वाइज जबकि यहाँ पर दिए गए 1920 सत्र के, तो जो कोई भी ना छूट जाए, इसलिए लॉकडाउन चलते हुए ही बहुत साइबर कैफे बनते हैं, तो उसको अपने सब अपने फ़ोन से ज़्यादा अपने यूज़ कर रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, साइट को दी गई है। तो सिंपल तरीके से जो फॉर्म भरा जा रहा है, कोई गलती फॉर्म में ना करें और इसे फॉर्म अपना बहुत सावधानी से भरेंगे। कुछ भी अगर गलती होती है आपको चेंज साइट पर अपना हेल्पलाइन नंबर कॉल कर सकते हैं, आपको सहायता की जाएगी। तो देख लेते हैं आप COVID-19 के चलते हुए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जो भरे जा रहे हैं सबमिट करने की प्राप्त जो अपडेट कह सकते हैं, वो 17 तारीख हो गई है। 17 फीस भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं हम जब भी, और फॉर्म भरने के बाद कॉलेज में एक बार कॉन्टेक्ट कर लें, क्योंकि आपको जो PDF सेंड कर दें कि आपको नॉम लिस्ट बन के जाएगी दोस्तों, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान सुनेंगे, जो आपकी नॉम लिस्ट बन के जाएगी वो आपकी कॉलेज द्वारा ही बन के जाएगी। यूनिवर्सिटी में जो बच्चे प्रमोट होंगे या कुछ बच्चों में एग्ज़ाम होंगे आने वाले टाइम में, या आपको प्रमोट किया जाएगा जिसके एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो उस टाइम पर आप देख सकते हैं जो नॉम लिस्ट में आपका नाम है, आपको प्रमोट होने में नाम है, तो आपका किया जाएगा एग्ज़ाम दिया जाएगा। अगर नहीं है नॉम लिस्ट में नाम, तो उनके फॉर्म भी जाके हो सकता है, वो के लिए खुद जिम्मेदार होंगे, ऐसे नॉम ऐसे यूनिवर्सिटी का कहना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि सुनिश्चित कर ले कि अंतिम पश्चात किसी भी विद्यार्थी की कोई भी नोट नॉम लिस्ट लिस्ट में दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर फॉर्म लेट भरते हैं आप तो नॉम लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, ऐसा भी किया गया है। दो तो 17 तारीख जो जुलाई का टाइम दिया गया है, तो इससे पहले टाइम से पहले अपना फॉर्म भर लें। साइड में आपको दिखा दिया, साइड मैं आपको दिखा देता हूँ, इस साइड आपको फॉर्म भरा जा रहा है। और कुछ भी मैंने कल जानकारी दी थी बीएड वालों के बारे में, तो मैंने दोस्तों उसके बता देता हूँ, मैं आपके बारे में थोड़ी कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो इस साइड ऑफ फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो UG PG सेमेस्टर वाइज के क्लिक करके सब यहाँ पर अपने कोर्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। तो यहाँ सिंपल तरीके से जो भी कोर्स आप देख सकते हैं सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं, MPhil, PG कोर्स जो भी क्लिक करेंगे आप यहाँ पर भर सकते हैं। और जो बीएड के बच्चों को फॉर्म के एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो दोस्तों अनपेड भी अपना निकाल सकते हैं, अनपेड आपको कुछ टाइम फॉर्म भरने के बाद 1-2 दिन में निकल जाएगा, और जिसका अनवेरीफाइड वेरीफाइड आ रहा लिखा वो अनवेरीफाइड वेरीफाइड हो जाएगा फीस जमा करने के बाद, जब आपको कॉलेज से नॉम लिस्ट में माना बना जाएगा। तो दोस्तों जब इसमें जो फॉर्म डेट डेट भर गई है अपना देख सकते हैं, जो बताया गया मैंने सिंपल तरीके से। कुछ भी समस्या हो, कोई डाउटफुल हो, कमेंट हो, तो इस माध्यम से कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपकी हेल्प की जाएगी।
और जबकि देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, वही आपका डायरेक्ट इस लिंक पर आ सकते हैं। तो दोस्तों 27 की लास्ट डेट ऑफ एग्जाम से फॉर्म भरने की यूजर कीजिएगी, तो एकदम फॉर्म भर लें और अपने दिल से हाथ मौका ना जाने दें और बहुत ही सावधानी से फॉर्म भरें। तो दोस्तों मेरी दिखाई पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो नहीं देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।